आज हम राजस्थान के प्राकृतिक विभाजन की बात कर रहे हैं। तो प्राकृतिक रूप से राजस्थान को चार भागों में बांटा गया है। इसमें पहला जो भाग है वो है उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश यानी आप देखिए कि ये उत्तर है और ये पश्चिम है। तो यानी कि अगर इसको राजस्थान माने हम इस एरिया को, तो यहाँ जो मरुस्थली प्रदेश हैं उनकी हम आज बात करेंगे। ये उत्तर पश्चिम में जो क्षेत्र आता है राजस्थान का, तो आज के हम चैप्टर में देखते हैं कि सबसे पहले देखिए राष्ट्रीय कृषि आयोग ने, अरावली श्रृंखला के पश्चिम और उत्तर पश्चिम में स्थित राज्य के 12 जिलों को, कितने जिलों को, 12 जिलों को रेगिस्तानी घोषित किया है। यहाँ का जो क्षेत्र है इसके 12 जिलों को रेगिस्तान के लिए घोषित किया गया है। ये किया है राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा किया गया है। और यह राज्य का जो है इसमें आता है 58% भाग। ये जो क्षेत्र है इसमें 58% भाग जो है मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें 40% हमारी जनसंख्या निवास करती है। यह प्रश्न आ चुका है आरएएस परीक्षा 96 और 99 में। थार का मरुस्थल जो है उसका कुल क्षेत्रफल 2,13,000 वर्ग किमी है। 2,13,000 वर्ग किलोमीटर है और जिसमें 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो है वो राजस्थान के अंतर्गत आता है। कुल थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल जो है वो ये है और हमारे राजस्थान में जो आता है वो है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। ये वाला क्षेत्र जो है ये राजस्थान कवर करता है और ये इधर की तरफ आता है राजस्थान के। अगर राजस्थान का मैप देखेंगे तो ये पूरा मान लो राजस्थान का मैप है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो इधर की तरफ जो मरुस्थल है वो आता है हमारा 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। इसमें उत्तर पश्चिमी मरुस्थल जो है इस मरुस्थल को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो इसका जो पहला भाग है वो है राजस्थान बंगर। पहला भाग है राजस्थान बंगर जिसे कहा जाता है। राजस्थान बंगर पूर्व में 50 सेंटीमीटर और पश्चिम में 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा के द्वारा सीमांकित किया गया है। यानी कि इस क्षेत्र को किसके आधार पर बांटा गया है, वर्षा के आधार पर बांटा गया है, जिसमें 50 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर बारिश, 50 और 25 सेंटीमीटर बारिश के आधार पर इसे सीमांकित किया गया है। इसमें घग्गर क्षेत्र जो है, घग्गर क्षेत्र गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के उत्तर पश्चिमी उत्तर भागों में विस्तारित है, जहाँ पर घग्गर नदी बहती है ये यहाँ पर। तो ये कहाँ कहाँ है, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में है। जी एच यानी गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में विस्तृत है। कौन सा क्षेत्र है, घग्गर क्षेत्र, जहाँ पर घग्गर नदी बहती है। दूसरा आता है आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र। आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र इसी के अंतर्गत ये जो है यहाँ अनियमित आकार के बालू के टीले पाए जाते हैं, बालू का स्तूप पाए जाते हैं और बरखान बालू का स्तूप जो है इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बरखान बालू का स्तूप कहा जाता है। दूसरा जो इसी का भाग है वो है, तो इस क्षेत्र का भाग है उसका नाम है शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है इसे क्या कहते हैं, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये इसका नाम है। और इसके भी उपभाग हैं, इसके क्या हैं,
उपभाग हैं, यानी कि इसे भी भागों में विभाजित किया गया है। इसमें पहला जो भाग है वो है पथरीला, इसे हमाद भी कहते हैं। दूसरा जो भाग है वो है मिश्रित, इसे रैग भी कहते हैं। तीसरा जो भाग है रेतीला मरुस्थल, और इसे इर्ग कहा जाता है। का घड़ा चंदन नलकूप, ये जैसलमेर के पूर्व में स्थित है और मीठे पानी के लिए इसे जाना जाता है। थार का घड़ा किसे कहते हैं? मीठे पानी के लिए जाना जाता है और नलकूप है ये एक। कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर के पूर्व में स्थित है। 33 महासागर, 33 महासागर, इसके अवशेष पाए जाते हैं अभी भी, और इसके अवशेष जो हैं वो सांभर, डीडवाना, पंचभद्रा, पंचभद्रा जो है इन स्थानों पर इसके अवशेष पाए जाते हैं। और ये जो झीलें हैं वो सब खारे पानी की झीलें हैं, ये वाली भी, ये वाली भी और ये वाली भी। तीनों झील कैसी हैं? खारे पानी की है। और ये किसके अवशेष हैं? ये हैं 33 महासागर के अवशेष हैं। ये शीतकालीन वर्षा होती है एक तरह की, ये शीतकालीन बारिश होती है, जो सर्दी के ऋतु में बारिश आती है उसे मावठ कहते हैं। और भूमध्य सागर से उठने वाले पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा राज्य में कहीं कहीं वर्षा हो जाती है। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, कौन से विक्षोभ होते हैं? ये पश्चिमी विक्षोभों के कारण ये बारिश होती है। प्रश्न यही आ जाता है कि कौन से विक्षोभों के कारण राजस्थान में मावठ होती है। और ये उठते हैं भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर से उठते हैं और इन विक्षोभों के कारण कहीं कहीं बारिश हो जाती है और इसे महावठ या महावट कहा जाता है। मारवाड़ी भाषा में मावठ भी इसे बोला जाता है। रबी की फसलों के लिए विशेषकर लाभकारी होती है और यही कारण है कि ये जो बारिश होती है इसे क्या कहा जाता है? गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है, गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है, क्योंकि इस बारिश के कारण फसलें अच्छी हो जाती हैं और अच्छी फसल होने से लोगों के पास धन का आवागमन होता है, जिसके कारण से मावठ को राजस्थान में गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है शब्द, आता है टाट या रन। राजस्थान के जो परीक्षाएं हैं उनमें भिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, तो उससे संबंधित क्वेश्चंस जो हैं मैं जानकारी के लिए ज़रूर पता होने चाहिए। तो ये जो है वर्षा के पानी की तलियों में जमने से जो झील बन जाती हैं अस्थाई झील होती हैं। ये क्या होती हैं? अस्थाई झील होती हैं जिन्हें रन कहा जाता है। और ये वर्षा का जो पानी होता है वो कुछ जो तलियां होती हैं या नीचे स्थान होते हैं उनमें जाकर के इकट्ठा हो जाता है और एक अस्थाई प्रकार की झील बन जाती है, उसे ये नाम दिया जाता है जिसे टाट या रन कहते हैं। पेवड़ा क्या है आपको पता भी होगा, जिन जिन प्रश्नों के उत्तर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। यह एक विषैला सांप है, विषैला सांप है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। अभी हम इसके बारे में क्वेश्चंस देख रहे हैं तो ये सभी उसी से संबंधित प्रश्न हैं। तो ये पीवणा सांप जो है वो इस पोर्शन में पश्चिमी भाग में पाया जाता है, जहाँ पे ज़्यादा बालू मिट्टी पाई जाती है। समगांव जैसलमेर में है, इधर
जैसलमेर जो है ये जैसलमेर जिले के अंतर्गत आता है और ये जो है पूर्णतया वनस्पति रहित है, पूर्णतया वनस्पति रहित क्षेत्र जो है वह है ये, यानी कि यहाँ पर पेड़ पौधे बिल्कुल भी नहीं है सम गाँव में। आकल गांव, आकल गांव जो है क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर जीवाश्म पार्क स्थित है, ये भी यहीं पर है जैसलमेर में ही, और यहाँ पर जीवाश्म पार्क स्थित है, जीवाश्म पाए जाते हैं इसमें, तो राजस्थान का ये एकमात्र जीवाश्म पार्क है, एकमात्र राजस्थान में जो जीवाश्म पार्क है वो कहाँ पर है, आकल गांव जैसलमेर में है, और इसीलिए अभी जो ये क्षेत्र है राजस्थान का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो हम कर रहे थे ये राजस्थान का मैप है, और इधर का जो क्षेत्र है आप देख सकते हैं उससे संबंधित मैंने आपको ये वाले क्वेश्चंस बताए। इसका जो हमारा दूसरा जो क्षेत्र होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, वो जो क्षेत्र है वो है मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, आप इसके बारे में जानते भी होंगे, और ये जो पर्वतमाला है उसके बारे में ये जो क्षेत्र है, ये प्राकृतिक जो चार भाग किए गए हैं राजस्थान के उसका ये सेकेंड क्षेत्र है, और इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है या कोई और जानकारी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट बताइएगा, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसे ऐड करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।